कितना बड़ा बोलो, कितनी बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस कभी अपनी कार्य प्रणाली को लेकर तो कभी अपनी भाषा शैली को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसे में अब एक बार फिर यूपी पुलिस के चंदौली जिले का ये दरोगा सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि इन साहबजादे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरोगा साहब महिलाओं से अपशब्दों का इस्तेमाल कर ऐसे बात कर रहे हैं कि मानो महिला सम्मान में वो चार चांद लगा रहे हो। वीडियो को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि मानो दरोगा साहब अपने घर में भी अपनी माँ, बहन और बेटियों से भी ठीक इसी तरह से बात करते होंगे। बहरहाल आपको बता दें कि हाल ही में सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर की घटना से पुलिस की किरकिरी अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी, और ऐसे में अब सैयद राजा थाने में तैनात दरोगा साहब ने एक बार फिर थाने के नाम पर बट्टा लगा दिया है। शायद इनकी भर्ती के वक्त यूपी पुलिस इन्हें महिलाओं से बात करना सिखाना भूल गई थी, जिसके चलते ये महिलाओं से ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि मानो पूरे थाना क्षेत्र में इनका ही राज चलता हो और यह जो चाहे कुछ भी कह सकते हो। गौरतलब है कि योगी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस के इन जैसे नुमाइंदे ना सिर्फ पुलिस के नाम पर बट्टा लगाते हैं बल्कि प्रदेश की सरकार को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि सैयद राजा थाने के कस्बा इलाके में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसमें मौके पर पहुंचे दरोगा साहब महिलाओं के साथ पहले तो गाली गलौज करने लगे, लेकिन इन सब के बीच वहां खड़े किसी व्यक्ति ने दरोगा साहब की इस अमर्यादित भाषा का वीडियो बना लिया और अब फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नहीं सर जी, झूठ बोल रही है। क्या फोन बरवा किया सर जी? 2 मिनट ये अपना कहीं इसमें शिफ्ट करके गई है, तो हम लोग अपना किचन इधर करते हैं। हमारा नहीं, ये बताओ नहीं, किचन तो ये है तुम्हारा नहीं जी? सर जी आप आए थे एक बार, इसमें इसने खाना बनाया थी कि नहीं? भाई साहब की लड़ाई की है। अरे तो वही दिखा, कितना बड़ा बोलो, कितनी बड़ी डेढ़ महीने से 2 महीने से घर छोड़ के वीडियो वायरल होने के बाद अब देखना ये होगा कि चंदौली जिले के कप्तान अंकुर अग्रवाल इन नवाब साहब दरोगा पर क्या कार्रवाई करते हैं, या यूं ही चंदौली पुलिस के अधिकारी शब्दों की गरिमा को पार कर लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। किस जगह घटना है, कहाँ की? मुझे चाटा था तुरंत मारा, और वो जो टोकरी होता है उस पे ढकेल के बदतमीजी कर रहा था, तो हमने तुरंत खड़ा हो गया, तो मेरे पापा को उल्टा फुल्टा बोलने लगा, बेमान है ये वो, मतलब जिस थाली में खा रहा था उसी थाली में चीज। तो फिर हमें सीढ़ी से धक्का दे दिया, मेरा बाल कबाड़ दिया, ऐसा नाखून लगा दिया पूरा। तो हमने बोला है दो, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था पिताजी को मेरे, मेरे को। क्या नाम था पुलिस वाले का? पुलिस वाले का नाम नहीं हम लोग चंदौली से नमन सत्य न्यूज के लिए उमेश सिंह की रिपोर्ट।